दोस्तों स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं आपको आज एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ कि मेरा एक दोस्त था, हम दोनों एक सरकारी हॉस्पिटल जाने का जगह प्राइवेट चले गए। तो मैं कैसे गए थे आप ज़रा सुनिए, और क्या हुआ था प्राइवेट में दिखाने बिना पैसा का। तो मेरा भी दोस्त बीमार था 2-3 दिन से, तो मैं उसको फ़ोन किया, क्या क्या हालचाल है, कैसा हुआ, तबीयत सही है कि नहीं। बोले नहीं भाई बीमार हूँ। तो मैं उसको बोला काम करते हैं, तो मैं आता हूँ तेरे पास, चलो हम दोस्त डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं गया उसके पास, तो बैठा 5-10 मिनट में, बोला क्या हाल चाल है, तबीयत सही नहीं है भाई, 3-4 दिन से बुखार है। मैं छू के भी देखा सही में उसका बदन एकदम हीट था, तबीयत गड़बड़ था उसका। तो हम बोले काम कर चल मेरे साथ में, पैसा है? बोले नहीं पैसा नहीं है। हम लोग छोटा रहे उस टाइम में, आज से 8-10 साल पहले का बात है। हम बोले भाई पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, तो काम कर चल सरकारी में चल बस चल। तो हम लोग दोनों सरकारी में निकल गए। हम लोग हॉस्पिटल पता नहीं कि सरकारी कहाँ पे है, खाली इतना मालूम है कि गोल तालाब में है कोलकाता में। तो हम लोग जब निकले तो एक आदमी से, जब मैं गोल तालाब पहुँचा हूँ तो वहाँ पे जाके एक आदमी से मैं पूछा कि भाई सरकारी कहाँ पर है। बोले तो यहाँ पर है। तो बोला आगे जाके सामने में ही है। तो मैं आगे गया, थोड़ा जाने के बाद मेरे को एक डॉक्टर खाना दिखा है, तो हम वहाँ पर रुक गए। रुकने के बाद फिर यही शायद यही डॉक्टर खाना है, तो मैं वहाँ पर कहा गया कि अंदर डूब गया दोनों, और उसको बुखार काफ़ी तेज़ है, हम तो जल्दी दिखा ले। तो अंदर डूबने के बाद जब देखे 2-3 दिन बैठा हुआ है, तो हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद डॉक्टर साहब बोला कि 5 मिनट के बाद ही ठीक है, ये लेट आगे उसको आरा उला से चेक कर रहे करो कर रहे। तब तक मेरे को लगा कि भाई चल डॉक्टर देख रहा सरकारी है। तो जब उसको कंप्यूटर को बोला कि सीजी निकालो तो इतना बड़ा वाला एक हाथ का यार, जब बोतल निकाला था उसको हम चौंक गया, मुझे यार लग रहा है तो कुछ गड़बड़ हम लोग कर बैठे हैं कि इतना बड़ा बोतल फ्री में। अब मेरे को डॉट हो रहा, हम उसको आस्ते से बोला अपना दोस्त को इमरान कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो एक काम कर तू बैठ, मैं आता हूँ बाहर से साफ कर, मतलब ऐसा इशारा करके निकल गया। मेरे को टेंशन हो रहा था यार कि ज़रूर कोई गड़बड़ वाली बात है। मैं बाहर में जाकर खड़ा हूँ, जो हकीकत हुआ वही बता रहा हूँ, उससे कोई लगाव वजह नहीं है। तो मैं बाहर में खड़ा हूँ, 5 मिनट में मैं देख रहा हूँ कि अब आगा अब आगा। 10 मिनट के बाद देख रहे हो खाली हाथ आ रहा है। अरे कहाँ हुआ भाई? बोला अबे 450 का बिल बना दिया भाई, दवाई ववाई दिया नहीं, 50 रुपये दवा भी ले लिया हमसे, आ एक खुराक दवाई दे दी हमको। हम बोले क्या बात कर रहे यार, अभी चौंक गया, ये तो गलत बात है यार, फ्री है पैसा? और नहीं यार लग रहा पैसा वाला था डॉक्टर। तो उसके बाद हम लोग आगे एक आदमी से पूछा भाई ये फ्री वाला था? बोले नहीं ये तो प्राइवेट डॉक्टर है। हम बोले यार पूरा कांड हो गया। फिर हम लोग फ्री वाला में गए, मैं पूछ पाछ के, फिर अच्छा तरीके में जब पूछ के ढूंढेंगे, अच्छा तरीके से पूछ पाछ के फ्री में गया, उसका इलाज कराया, मलेरिया निकला बेचारा को। मगर वो घटना मैं अभी भी कभी याद उससे मिलता हूँ, वो बात निकालते यार बहुत हंसी आता, बहुत कुछ अलग ही हो गया हम लोगों के साथ में। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कांड जाता, मैं छोटा बात है। तो भाई लोग मेरा कहानी कैसा लगा आप लोगों को, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ना कुछ अनोखा आप लोगों का होते रहता है, कभी मिमिक्री कभी कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।